चलिए फोकस करते हैं कुछ नतीजों पर, एक के बाद एक नंबर्स आ रहे हैं और इस बीच इंडियन बैंक ने भी अपने नंबर घोषित किए। नतीजे अच्छे थे और नतीजों के बाद स्टॉक में हमने देखा कि करीब 7% तक की तेजी देखने को मिली। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के बैंक के MD और CEO शांति लाल जैन मौजूद हैं। शांति लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। इस बार के नतीजे काफी मजबूत देखने को मिले, स्पेशली हमने देखा कि प्रोविजनिंग में भी कमी आई है, जिससे कि आपके मुनाफे को सहारा मिला है। तो NPA अकाउंट्स के लिए प्रोविजनिंग कम करनी पड़ी, इसके पीछे क्या वजह थी? और क्रेडिट रेशियोज भी इम्प्रूव हुए हैं, क्या हम एक्सपेक्ट करें कि आने वाले समय में भी ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा? देखिए, क्रेडिट कॉस्ट डिपेंड करता है आपका स्लिपेज और आपका नेट एनपीए पे। जहां तक नेट एनपीए की बात है, हमारा 0.53 नेट एनपीए है, सो अपने आप में बहुत कम है, तो नेचुरली गोइंग फॉरवर्ड क्रेडिट कॉस्ट उसका कम आएगा। दूसरा, स्लिपेज, हमारा स्लिपेज नंबर भी कम हो रहा है। अब हमारा जो स्लिपेज है 1.28 है, और स्लिपेज आपका डिपेंड करता है आपका SMA 1 एंड SMA 2 पर। हमारा जो SMA 1 और SMA 2 है वो कम हुआ है दिसंबर में सितंबर से, अराउंड 0.5% और सो हमारा SMA 1 एंड SMA 2 है। सो व्हेन आपका SMA 1 और SMA 2 कम होगा, आपका नेट एनपीए कम होगा, तो गोइंग फॉरवर्ड आपका क्रेडिट कॉस्ट कम होगा। सो हमारा क्रेडिट कॉस्ट आप वैसे भी देख रहे हैं धीरे धीरे कम हो रहा है। बिल्कुल शांतिलाल जी, प्रशांत इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ। ज़रा हमें बताइए कि आप किसी तरह का स्ट्रेस बिल्टअप होता हुआ देख रहे हैं अपने किसी भी एडवांसेस के पॉकेट में, क्योंकि हम इस तिमाही में देख रहे हैं कि जो स्लिपेजेस हैं, ताज़ा स्लिपेजेस, उसमें एक अपटिक है, और ख़ास तौर पर रिटेल बिजनेस में। तो ज़रा बताएं इस पर आपका नज़रिया। देखिए ना, मैंने आपको बताया कि हमारा SMA 1 और SMA 2 कम हुआ है। अब अगर अपन स्लिपेज पर नजर डालें, इस क्वार्टर की स्लिपेज जो 1,400 करोड़ के आसपास है, 600 करोड़ उसमें से केस उसका है एग्रीकल्चर का, उसमें मेजर पार्ट जो है 500+ करोड़ KCC का ही है। दूसरा 400 करोड़ रुपए MSME का है, उसमें से कुछ अमाउंट रिस्ट्रक्चरिंग में से निकला है, कुछ वैसे निकला है, तो 600 400 हजार कॉरपोरेट से हमको मिला है 100 करोड़ के आसपास, और 300 करोड़ के आसपास हमारा रिटेल है। सो कॉरपोरेट में एक अकाउंट की वजह से है, इसकी वजह से स्लिपेज है। सो ये जो ट्रेंड है, हमको जो नंबर ये कम आता जा रहा है, आप देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर कम आ रहा है, तो ये नंबर कम आ रहा है, SMA नंबर कम आ रहा है, इसका इसका मतलब ये है कि बैंक का कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। वो देखो, अब 95% कलेक्शन एफिशिएंसी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड में स्लिपेज भी कम आएगा, आपका नेट एनपीए भी कम है, तो आपका क्रेडिट कॉस्ट डेफिनेटली कम डाउन आएगा। मार्जिन पर आपसे आउटलुक लेना चाहेंगे, क्योंकि बाकी सारे फ्रंट पर तो नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मार्जिन में थोड़ा स्लो ग्रोथ देखने को मिली है। इस पर आप क्या कहेंगे और आने वाले समय में ट्रेंड कैसे देख रहे हैं? क्या कंपनी कुछ कदम उठाएगी ऑपरेशनल फ्रंट पर जिससे मार्जिन को सहारा मिले? आप देखिए, हमारा निम जो था लास्ट ईयर का 2022-23 का 3.41 था। हमने स्टार्टिंग के बिगनिंग में कहा था, क्योंकि 3.41 भी हमारा एलिवेटेड था, बिकॉज आपका वी आर इंक्रीजिंग इंटरेस्ट साइकिल। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट साइकिल में क्या होता है, असेट पहले रीप्राइस होती है, लाइबिलिटी बाद में प्राइस रीप्राइस होती है। बट हमने कहा था कि हम ये 3.41 को मेंटेन कर पाए, प्रोटेक्ट कर पाएंगे विद 10-15 बिप्स प्लस और माइनस। इस 3.41 के अगेंस्ट में हम लोग 3.54 हैं अभी, सो वी आर इन अ पॉजिटिव साइड। अब आता है लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर का डिफरेंस, वो 3 बिप से हमारा घटा है। ये घटेगा भी बिकॉज आपका लाइबिलिटीज रीप्राइस है, बट फैक्ट रिमेंड इन अ 9 मंथ पीरियड हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए, रादर उससे बेटर साइड ही रहे। सो हमारा जो जो परफॉर्मेंस है बेटर देन और प्रोजेक्शन हो, और ये तो थोड़ा सा कोस्ट तो बढ़ेगा, तो थोड़ा सा इस पे तो इम्पैक्ट आना ही है, बट वी विल बी एबल टू प्रोटेक्ट बाय वे ऑफ इंक्रीज इन क्रेडिट, बाय वे ऑफ कासा है हमारा आगे मोबिलाइज करके, हम इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश पूरी करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शांतिलाल जी समय देने के लिए और नतीजों पर, आगे के ग्रोथ आउटलुक पर भी हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो ये थे इंडियन बैंक के मैनेजमेंट, आने वाले समय को लेकर, क्वार्टर को लेकर पॉजिटिव, और उनका कहना है कि मार्जिन में भी आगे सुधार दिखेगा, एसेट क्वालिटी में जो ट्रेंड दिखा है वो भी आगे बरकरार रहेगा और मजबूत एडवांसेस ग्रोथ देखने की उम्मीद। रवि, आपसे राय लेंगे, आज हम देख रहे हैं सरकारी बैंकों में तेजी है, नतीजे एक के बाद एक अच्छे आ रहे हैं और इंडियन बैंक भी नतीजों के बाद 6% ऊपर है।
कैसी लग रही है आपको ये कंपनी, मौजूदा स्तर पर क्या खरीदारी करने की सलाह देंगे? अब बिल्कुल देखिए, चूंकि रिजल्ट अच्छे आए हैं और वैसे भी मैं बैंकिंग काउंटर पे और छोटे बैंकों पे ज्यादा बुलिश हूँ, और इस समय अगर इंडियन बैंक के देखा जाए तो 468 रुपए के पास चल रहा है, आज 440 के बाद सीधा इसने 480 का हाई बनाया, तो ये वापस मान के चलिए कि 500 के आंकड़े को एक बार टेस्ट करता हुआ नजर आएगा, तो यहाँ पर फ्रेश बाय कॉल ली जा सकती है करंट लेवल पर, और टारगेट होगा इसका, इमीडिएट टारगेट होगा 500, और स्टॉप लॉस यहाँ पर देखते हैं तो 455 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बाय किया जा सकता है, तो थोड़ा लंबा व्यू रखें आने वाले 15 दिनों में, हफ्ते 2 हफ्ते के व्यू अगर रखते हैं तो 500 के लेवल टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। मार्केट में वोलेटिलिटी जरूर है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक आपको मूवमेंट यहाँ पर अच्छा दिखाई देगा, और चूंकि यहाँ पर मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंट है, टेक्निकल चार्ट पर बहुत बढ़िया ब्रेकआउट के साथ निकला है, तो मुझे लगता है बिल्कुल बाय करना चाहिए।